jungle. जन्मदिन का मिष्ठान खिलाओ बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई आपको। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दैनिक रोड की, मैं हूं दीपक अरोड़ा। और हमारे जिस तरह से आज यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी जी को जो मुख्यमंत्री बनाया गया उसकी खुशी जाहिर की है, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, पुष्कर सिंह धामी जी बहुत अनुभव वाले व्यक्ति हैं, संगठन का, राजनीतिक अनुभव, सरकार चलाने का अनुभव, लंबे समय से वो सक्रिय हैं। माननीय कोश्यारी जी जब ऊर्जा मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, उनके कार्यकाल के अंदर भी सारी जिम्मेदारी धामी जी संभालते थे। दो बार के विधायक हैं, युवा मोर्चे के प्रदेश के अध्यक्ष रहे, संगठन मंत्री की जिम्मेदारी रही, बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव है। निश्चित रूप से उनके अनुभव का लाभ और युवा शक्ति का लाभ हमें ज़रूर मिलेगा। 2022 में हम और अधिक विधायकों के साथ वापसी करेंगे। हर्षित जी भी हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? चाहूँगा, युवा मोर्चा के लिए गर्व का विषय है। ये जो प्रदेश अध्यक्ष जी, जो आज के मुख्यमंत्री ने, ये युवा मोर्चा और दो आने वाले 2022 में ये जरूर मतलब सरकार बनाएगी। हमारे साथ हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता सुनील सानी जी, और हम जो हैं गंगोत्री पार्क में खड़े हैं, नहर किनारे में, नीले पुल के पास। और आज इन्होंने जो रुड़की के कई लोग हैं जो मीडिया से जुड़े हुए हैं, जो अन्य लोग भी हैं, उनके जन्मदिन पर यहाँ पर वृक्षारोपण किया है। और साथ ही मुख्यमंत्री जो कि पुष्कर सिंह धामी जी हैं वो बनाए गए हैं, उनको लेकर भी यहाँ खुशी जाहिर की गई है। आइए जानते हैं वह क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप प्रदेश की जनता से हमारे चैनल के माध्यम से। बहुत ही खुशी का और हर्ष का विषय है। पूरे प्रदेश में युवाओं में एक उत्साह है। केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा एक बहुत ही अच्छा निर्णय किया गया कि युवा को एक कमान दी गई प्रदेश की, और युवाओं में बहुत ही इस समय खुशी है कि उन्हें लगता है कि उनकी एक एज ग्रुप का व्यक्ति जो है वो प्रदेश का नेतृत्व कर रहा है। और बहुत ही ईमानदार छवि, संगठन में कई वर्षों से लगातार कार्य करने का अनुभव। पुष्कर सिंह धामी एक ऐसा नेतृत्व है जिसके साथ हजारों युवाओं ने संगठन में उत्तराखंड में कार्य किया, और आज उस खुशी का ही परिणाम है कि हम सब ने मिलकर उनके नाम का एक यहाँ पर पौधा लगाया, वृक्षारोपण किया, इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ कि वो पौधा जो है वो उत्तराखंड के विकास का सूचक है। और 2022 में पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का परचम उत्तराखंड में लहराएगा। आज सबने खुशी मनाई, मिष्ठान वितरण किया, और भारतीय जनता पार्टी नहीं दे प्रदेश का हर कार्यकर्ता आज खुश है, प्रसन्न है। हमारे साथ भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारी भी हैं, हर्षित जी, उनसे भी जानते हैं आप क्या कहना चाहते हैं जिस तरह से प्रदेश की कमान युवाओं के हाथ में दी गई है केंद्र सरकार ने। सबसे पहले तो दैनिक रुड़की का बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रदेश की कमान युवाओं के हाथ में दी गई है, युवाओं के लिए एक बहुत ही गर्व का विषय है। पूर्व में हमारे जो मुख्यमंत्री हैं युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, एबीवीपी के जो है विभिन्न संगठनों पर रहे हैं, दायित्वों पर रहे हैं, तो युवा मोर्चा के लिए तो बहुत ही विषय गर्व का विषय है। और अब की बार युवा मोर्चा ने एक नया नारा दिया है कि अब की बार युवा सरकार, तो युवाओं को आगे बढ़ाने का कार्य का काम किया गया है, और संगठन और पार्टी की रीति नीति से चलेंगे, और निश्चित ही प्रदेश के अंदर एक नया विकास का मॉडल दिखाई देगा।